एक स्वतंत्र राष्ट्र, आजाद भारत और आजादी के एक वर्ष के भीतर ही एक उच्च स्तरीय घोटाला, जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। तभी आज भी घोटालों का न्याय जनता के गाल पर तमाचा मारता है और कभी न्याय जनता के दर पर पहुंचता ही नहीं, जिसका वादा आजाद भारत की नींव रखते समय किया गया था। नमस्कार, मैं अभिजीत शर्मा और आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज की खास पेशकश अनसुना इतिहास। 1948 का जीप कांड लंबे समय से लुप्त हो चुकी स्मृति है, लेकिन इसे एक प्रमुख कारण के लिए याद किए जाना चाहिए, भ्रष्टाचार पर राष्ट्रव्यापी आत्मनिरीक्षण के लिए। और ये अभी भी हमारे जीवन और प्रणाली को परेशान क्यों कर रहा है, और काफी आवश्यक है भारत की पूरी क्षमता का एहसास करना। 1948 के भारत पाक युद्ध के दौरान तत्कालीन भारतीय उच्चायुक्त वीके कृष्ण मेनन ने ब्रिटेन में एंटी मिस्कनीस नामक एक अनाम फर्म से 2000 सेकेंड हैंड जीपों का ऑर्डर दिया, जिसकी पूंजी मात्र 600 ब्रिटिश पाउंड थी। फिर भी मेनन ने तर्क दिया कि किसी भी अमरीकी या कनाडाई फर्म से ऑर्डर करने के बजाय इस फर्म से ऑर्डर करने पर तेजी से शिफ्ट डिलीवरी होगी और एक जीप के लिए लगभग 300 पाउंड का भुगतान करने पर सहमत हुए। मांग 2000 जीपों की थी। अल्पज्ञात कंपनी की पूंजी 600 पाउंड होने के बावजूद कुल राशि का 60% मेनन द्वारा निरीक्षण पर अग्रिम भुगतान करने और 20% डिलीवरी पर बाकी एक महीने के अंतराल के बाद देने की सहमति हुई, जबकि ये सहमति प्राप्त विक्रीय विलेख था। मेनन ने बिना किसी निरीक्षण प्रमाण पत्र के 1,70,000 की कुल राशि का 65% भुगतान संदेहास्पद रूप से किया। आखिरकार 155 जीपें ही मद्रास में थी और वे अनुपयोगी ही पाई गई। रक्षा मंत्रालय ने उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर दिया और अनाम कंपनी ने उनके लिए मुआवजा देने से इनकार कर दिया और जीपों की कुल संख्या देने के अपने वादे का पालन नहीं। उन्हें वितरित कर दिया गया और परेशान करने वाला सवाल बना रहा कि मेनन ने एक अनाम कंपनी को, जिसकी पूंजी बहुत कम थी, इतनी बड़ी राशि का भुगतान क्यों किया, वो भी बिना किसी आधारिक निरीक्षण प्रमाण पत्र के, भारत सरकार के रक्षा भुगतान का 65%। मेनन चुप थे और भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी मेनन को किसी भी तरह की पूछताछ से बचाया। रक्षा मंत्रालय के काफी विरोध के बाद इस घोटाले की जांच के लिए अयंगार न्यायपालिका समिति बनाई गई, लेकिन 1955 में सरकार ने काफी संदेह पूर्वक कहा कि मामला आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया है। 1956 में नेहरू ने मेनन को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया और उन्हें रक्षा मंत्री बनाया। क्या नेहरू ने भ्रष्ट सहयोगियों की रक्षा की और इस प्रकार के स्वतंत्र भारत की जड़ों पर हावी होने वाले भारी भ्रष्टाचार पर आंख मूंद कर स्थानीय भ्रष्टाचार की व्यवस्था का समर्थन किया? क्या कोई कह सकता है कि कौरवों द्वारा द्रौपदी के अपमान पर भीष्म द्वारा आंखें मूंद लेने के समान था या उससे भी बदतर? नमस्कार।